जिनकी शहादत से हिंदुस्तान सचेत हुआ। अनसर्टेनिटी का माहौल था उस टाइम की, किसी को कुछ नहीं पता था कि एग्जैक्ट स्टेटस क्या है। वहाँ पाकिस्तान के 200 उग्रवादी थे, ये 6 आदमी थे जिनके बलिदान से करगिल के षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। मुझे तो पता नहीं था कि वो कहाँ गए, लेकिन मेरे से उसने बात फोन पे ये कही थी कि मामा मैं कहीं आगे जा रहा हूँ। एक मुझे जो एक खास बात मैंने बचपन से देखी थी, जिस काम के पीछे लगते थे तो उसको पूरा करके ही छूटते थे। एक दिन तक तो उनसे संघर्ष किया, फिर उनका जो गोला बारूद था वो खत्म हो गया, फिर उन्होंने उनको चारों तरफ से घेर के पाकिस्तान में ले गए। जिन्होंने राष्ट्र से गद्दारी की जगह दर्द और दहशत की इंतहा चुनी। मुंह के दांत भी तोड़े हुए थे, नाक भी काटे हुए थे, कान भी काटे हुए थे, नाखून भी निकाले हुए थे। यातना के 22 दिन चुने, सबसे खौफनाक मृत्यु चुनी। उनके सारे अंग भंग काट दिए थे, बिल्कुल कान में राड डालती थी, गर्म राड करके कानों में डालती थी। पाकिस्तान का इतिहास देखेंगे आप तो वो हमेशा ही झूठी है। हमने सौरभ की बॉडी इतनी म्यूटिलेटेड कंडीशन में देखी, तो इट वाज अ स्टेट ऑफ शॉक कि ऐसा भी कोई कर सकता है। उसको दूरदर्शन नहीं करके उसको जेल में देना चाहिए था। पाकिस्तान ने जो इन सैनिकों के साथ जो किया वो एक इंसानियत के ऊपर एक दबा है। वो शूरवीर जिंदा है हमारे सम्मान में, हमारी आजाद हवाओं में। कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 सिपाही अर्जुन राम, भीका राम, भंवरलाल बगारिया, मूला राम और नरेश सिंह। एक माँ हूं, कभी तो खालीपन आता है कि मेरा, लेकिन उसने जो किया उसकी जो बहादुरी थी, उसका जो कार्य था, उसको देख करके मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ कि सौरभ हमेशा मेरे पास और मेरे साथ थी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जरूरी नहीं है कि जिसे पदक मिले वही वीर कहलाए। वंदे मातरम में आज जिस योद्धा का किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उन्हें अपनी वीरता के लिए कोई पुरस्कार नहीं मिला था। पर जब आप ये कहानी सुनेंगे तो आप भी आश्चर्य करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ये कहानी है करगिल के पहले हीरो कैप्टन सौरभ कालिया और उनके वीरों की। वो भी तो किसी के दिल का टुकड़ा थे, जिन्हें नाजों से पाला गया था। उनका शरीर भी तो हाड़ मांस का ही था। ये अलग बात है कि उनका हौसला फौलाद का था। जून 1976 को अमृतसर में जन्मे सौरभ कालिया के पिता डॉक्टर थे। पढ़ाई और खेलकूद में अव्वल सौरभ ने ग्रेजुएशन पूरी करते ही सेना की परीक्षा दी और 1997 में IMA में चुन लिए गए। उनके पासिंग आउट परेड में उन्हें यूनिफॉर्म में देखकर घर वाले फूले नहीं समाए। उसने मुझे डरते डरते पूछा, अपने पापा से बोला कि शायद मेरी सिलेक्शन हो गई है, मम्मा मुझे नहीं भेजेगी। लेकिन जब वो मेरे पास आया उसने मुझे कहा कि मम्मा मैं अगर आर्मी में सिलेक्ट हो जाऊंगा तो आप मुझे भेज देंगे। तो मैंने उसको यही बोला कि बेटा आप जाओ, मैं आपके कैरियर के आगे खड़ी नहीं होंगी। हमारे देश में हमारी सेना की छवि मतिया ना, तो बाकी सब मतिया जितने भी हमारे और मतिया ऑर्गेनाइजेशन है उनसे सबसे ऊपर है। 6 feet 2 inches के तगड़े नौजवान सौरभ को 4 जाट में कमीशन किया गया। 31 दिसंबर 1998 को रेजिमेंटल सेंटर में रिपोर्टिंग के बाद मध्य जनवरी में उनकी पहली पोस्टिंग करगिल में हुई। नहीं, उस समय तो मतलब पेपर में या कहीं भी मीडिया में या आर्मी में कोई ऐसा कुछ भी नहीं था, अभी उधर करगिल में कोई हलचल है या नहीं है।
वो यही कहता था कि यार हमने तो बॉर्डर पे बैठना है। ज़्यादा स्ट्रेसफुल उनका है जो जिनकी यूनिट्स वैली में डिप्लॉयड हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एक अलिखित समझौता था कि जब ठंड का मौसम हो, बर्फ पड़ी हो, तो ऊंचाई के जो पोस्ट्स हों उन्हें दोनों देशों की सेनाएं छोड़ देती थी, पीछे आ जाती थी, और जब गर्मी का मौसम आता था, बर्फ पिघलती थी, तापमान सामान्य हो जाता था, तब जाकर दोनों तरफ से सैनिक अपने अपने पोस्ट पर वापस जाते थे। लेकिन 1999 में पाकिस्तान ने इस समझौते से ही छल कर दिया। 3 मई 1999 को ताशी नामग्याल नाम के एक गडरिये ने जो खबर दी उसने सबके होश उड़ा दिए। और आपके बीच में कोई रास्ता जैसा दिखा हुआ मैंने दिखा दिया, तो मुझे सोचा यार तो टॉप क्रॉस करके ऊपर मत गया, सोच के मैं दाएं तरफ ऊपर चढ़ते उसी रास्ते से चेक करते करते आया तो वहाँ 6 बंदे नजर आए बंजू टॉप में। वो 6 बंदे क्या कर रहा था, बर्फ हट रहा था, पत्थर ढूंढ रहा था, बिल्कुल हरकत कर रहा था। दरअसल सरहद के इस हिस्से से कभी घुसपैठ नहीं हुई, इसीलिए गडरिये की दी जानकारी किसी की समझ में नहीं आ रही थी, न ही इसे समूचे करगिल इलाके के संदर्भ में देखा जा रहा था। पर और भी कई ऐसी घटनाएं थीं जिसकी वजह से सतर्कता बरती जा रही थी। काक्सर में तैनात सौरभ कालिया को सेना में मुश्किल से 4 महीने का वक्त बीता था जब मई के पहले पखवाड़े में उन्होंने गश्त ड्यूटी पर जाना शुरू किया। अपने पहले ही गश्त पर उन्हें कई अजीब संकेत मिले। जब कारगिल की लड़ाई शुरू हुई मई के महीने में, उस समय उन्होंने खुद वॉलंटियर किया कि मैं पेट्रोल लेकर जाऊंगा और करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आऊंगा कि बजरंग पोस्ट पे क्या दुश्मन की नफरी है। 14 मई को सौरभ कालिया की अगुवाई में 5 सैनिक बजरंग पोस्ट के लिए रवाना हो गए। दिन भर के ट्रैक के बाद जब वो भारतीय सीमा में बजरंग पोस्ट पर पहुंचे तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। इससे पहले कि सैनिक कुछ समझ पाते, सामने से उन पर फायरिंग शुरू हो गई। पहले के 3 गश्त के अनुभव से कैप्टन कालिया को यह समझने में देर नहीं लगी कि हमला करने वाले पाकिस्तानी सैनिक हैं। अपने जवानों के साथ मिलकर उन्होंने दमदार मुकाबला किया, पर एक पेट्रोल पार्टी के पास इतना असलहा नहीं होता कि अधिक समय तक संघर्ष कर पाए, और दुश्मन तो युद्ध की तैयारी करके आया था। बहुत ज्यादा सामान तो ले जा नहीं सकता, वो अपना पाउच एमिनिशन ले जाता है, अपने संग कुछ ग्रेनेड ले जाता है, अपने संग कुछ लाइट वेपन ले जाता है, अपने संग कुछ एक मैक्सिमम एक रेडियो सेट ले जाएगा। तो जो उसके पास लिमिटेड सामान होता है उसी के साथ उसको उस समय एम्बुश में लड़ाई करनी पड़ती है। कैप्टन कालिया की टुकड़ी की सिर्फ गोलियां खत्म नहीं हुई थी, उनके संचार के उपकरण भी खराब हो गए थे, बेस से संपर्क हो ही नहीं पा रहा था। कॉलिंग बेस कैंप, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दुश्मन नहीं चाहता था कि भारतीय सैनिकों को वहां से निकल जाने या यूनिट तक खबर पहुंचाने का वक्त मिले। बिना समय बर्बाद किए पाकिस्तानी सैनिकों के एक प्लाटून ने पोस्ट को घेर लिया। एक तो गोलियां खत्म, उस पर 6 सैनिकों के सामने 30 हथियारबंद दुश्मन, बच निकलने की हल्की सी गुंजाइश भी खत्म हो चुकी थी। करगिल में घुसपैठ पाकिस्तान का गुपचुप षड्यंत्र था, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि जब तक उसका पूरा प्लान लागू ना हो जाए तब तक हिंदुस्तान को इसकी भनक भी लगे। उसने कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 सैनिकों को बंदी बना लिया और अंतरराष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध भारत को इसकी खबर तक नहीं की। फोर जाट के बटालियन हेडक्वार्टर में गश्त दल को लेकर कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अगली ही रात पाकिस्तान से प्रसारित होने वाले रेडियो स्कर्दू पर इस खबर का प्रसारण हुआ। ये पाकिस्तान का रेडियो स्कर्दू है, मुसद्दका फौजी ज़राए से ये खबर मौसूल हुई है कि हमारे जाबाज रेंजर्स ने काक्सर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल से होकर पाकिस्तानी सरहद उबूर करने वाले 6 भारतीय जवानों को अपनी तहवील में ले लिया है। तहवील में लिए जाने वाले कैप्टन का नाम है सौरभ कालिया। रेडियो के इस प्रसारण में पाकिस्तान का सफेद झूठ छिपा था, एक ऐसा झूठ जो वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए बना रहा था। भारतीय पोस्ट्स पर कब्जा करके उसे पाकिस्तानी जमीन दिखाने की साजिश में पाकिस्तान ने कैप्टन कालिया और उनके जवानों पर आरोप लगाया
कि वो सरहद पार कर पाकिस्तान में घुस आए थे। बहरहाल आधिकारिक तौर पर अब भी हिंदुस्तान को कोई सूचना नहीं दी गई थी। तीन दिन तक कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद भारत ने टोही दल को बजरंग पोस्ट की ओर रवाना किया, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश में उन पर गोलियां दागी हुई। भारत को समझ आने लगा था कि स्थिति नियंत्रण में नहीं है। तो ये तो भारत सेना की एक परंपरा रही है कि जब भी इस किस्म की कोई हो जाता हादसा तो उसकी रेस्क्यू के लिए एक और पार्टी अवश्य भेजी जाती है। अब वो पार्टी की क्या नफरी होती है, किस किस्म की बनावट होती है, वो ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। उधर बगैर हथियार के 6 भारतीय योद्धा दुश्मन की कैद में थे। पाकिस्तान अपनी साजिश छिपाने के लिए उन्हें पकड़ लाया था, पर अब उनसे गुप्त जानकारी हासिल करने के लिए उन पर दबाव बनाने लगा। 4 जाट के ये सभी जवान बलिष्ठ थे, न केवल कद काठी से बल्कि हौसले से। पाकिस्तान क्रूरता की हदें पार करने लगा, लेकिन न तो उनकी जुबान से कोई जानकारी निकली न होठों से उफ। दिन पर दिन बीत रहे, पाकिस्तान की बर्बरता बढ़ती जा रही थी। उनके शरीर को सिगरेट के बट से जलाया जाता, कान के पर्दे फाड़ दिए गए थे। ये अलग बात है कि उस वक्त हिंदुस्तान में किसी को मालूम नहीं था कि पाकिस्तान किस हद तक गिर सकता है। इस बीच 26 मई को ऑपरेशन विजय का ऐलान कर दिया गया। मोर्चे पर युद्ध छिड़ चुका था। पाकिस्तान अब भी कोशिशों में लगा था कि ये 6 सैनिक अपनी जुबान खोलें, कोई तो ऐसी जानकारी दे जिससे जंग में भारत की छोटी सी भी योजना का पता चल सके। लेकिन भारत माँ के इन सच्चे सपूतों ने दर्द से ऐसी दोस्ती कर ली कि अमानवीय यातनाओं ने भी हार मानी। युद्ध के मैदान की अपनी पूरी झल्लाहट, पूरी नफरत, पूरी कुंठा पाकिस्तानी सैनिक उन 6 वीरों पर निकाल रहे थे। इन वीरों की बहादुरी को समझने के लिए इनके विकल्पों को समझना होगा। दुश्मन की कैद में जब यातना दी जाती है तो उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, जो जानकारी मांगी जा रही है वो उन्हें दे दी जाए। पर इन वीरों के एक एक नाखून उखाड़े गए, इनके कान का पर्दा फाड़ दिया गया, इनकी आंखें फोड़ दी गईं, लेकिन गद्दारी का एक लफ्ज इनकी जुबान से नहीं निकला। बाईस दिनों की लगातार यातना के बाद जब पाकिस्तानियों का जी नहीं भरा तो इनके जिस्म के टुकड़े करने शुरू किए, पर ये वीर फिर भी खामोश रहे। हर तरफ से हार कर उन जल्लादों ने एक एक कर सभी को गोलियों से मार डाला। पाकिस्तान के झूठ की हद देखी। 22 दिन तक अपनी कैद में रखकर यातना देने के बाद उसने मौत की खबर भी झूठ में लपेट कर दी। 7 जून को उसने भारत को इत्तला दी कि 6 भारतीय सैनिकों की लाशें उसे अपनी सीमा में मिली हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में 2 दिन बाद 9 जून को उसने ये शव हिंदुस्तान को सौंप दिए। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।